इंग्रेडिएंट्स ये है हमारा मटन मैरिनेट किया हुआ, जो मैंने मैरिनेट की सुबह दोपहर के 1 बजे और अभी हो रहा है 8 बज रहा है, तो 60 घंटे इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखी थी और अभी मैं इसको बनाऊंगी। इसमें मैंने मैरिनेट में मैंने दही, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट ये सब डाल के बिरयानी मसाला, शान बिरयानी मसाला वो सब डाल के मैरिनेट करके 7 घंटा रखी थी और अभी हम बनाएंगे मटन को। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मैंने लिया है 5 मीडियम प्याज और यहाँ पे अखा गरम मसाला और यहाँ पे हमारा तेल गरम हो रहा है। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें मैं डालूँगी अखा गरम मसाला और अभी मैं डालूँगी इसमें जो 5 कटी हुई प्याज थे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। और प्याज को मैं अच्छे से भूनूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। सो गाइस, मेरा रेसिपी बहुत इजी और अच्छा है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। सो यहाँ पे कांदा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड करूँगी मटन और मटन जितना मैरिनेट करके रखेंगे उतना अच्छा है। ओके, तो फ्रेंड्स मटन को मैं अच्छे से भूनूंगी और अगर आप ज़्यादा मटन को मैरिनेट करते हो तो तपीले में भी पका सकते हो, लेकिन हमको कुछ ज़्यादा ओवर सॉफ्ट चाहिए तो इसीलिए हम कुकर में पका रहे हैं। अगर आपको भी एक्स्ट्रा सॉफ्ट चाहिए तो आप भी कुकर में पका सकते हो। तो फ्रेंड्स भूनते भूनते देखिए आप सब कितनी अच्छी ग्रेवी हो गया और मैंने थोड़ी सी दही ऊपर से ऐड की क्योंकि मुझे कम लग रहा था और दही से बहुत अच्छा है इसका जो ग्रेवी है बना है। और अभी इसमें मैं ऐड करूंगी 2 गिलास पानी, उसके बाद 2 सीटी में बंद करेंगे और उसके बाद हम बिरयानी की मतलब राइस की तैयारी करेंगे। सबको वो सब चीज़ आपको बताऊँगी मैं वीडियो में। और इसमें मैंने ऐड किया 1 कप वाटर, अभी 2 गिलास वाली गिलास नॉट कप, तो इसको अभी मैं बंद करूंगी, रखूंगी पकाने और इसको अब हम कुकर के ढक्कन को बंद करेंगे 2 सीटी में। पर हमको मटन चेक करना है क्योंकि मटन बहुत ज़्यादा टाइम भी मैरिनेट था, इसके लिए 2 सीटी बस काफ़ी है। मैंने कांदा लिया है बिरिस्ता के लिए। बिरिस्ता आप मैरिनेट के टाइम भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं मुझे बहुत घंटा ला रहा था इसीलिए मैं अभी बिरिस्ता दम करने के टाइम पे डालूँगी। तो अभी यहाँ पे मैंने कढ़ाई तेल गरम करी हूँ और अभी मैं फ्राई करूँगी ये कांदा बिरिस्ता के लिए। और बिरिस्ता के लिए कांदा हमको अच्छे से ब्राउन करना होता है। रेडी हो चुका है हमारा राइस, मैंने लिया है 150 वाला, यहाँ पे भिगा के रखी हूँ और यहाँ पे पानी मैंने बॉईल रखी हूँ। तो गाइस देखिए चावल पक गए हैं और यहाँ पे ये भी हो गए हैं। चावल को अब हम चनेंगे। चावल हमने चन लिए हैं गाइस। तपीला गरम करके थोड़ी सी ऑयल मैंने ऐड की क्योंकि मतलब जो मसाला वो राइस लेता वो नहीं जले, इसलिए अभी मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ी सी राइस ऐड करूँगी। थोड़ी सी राइस डाल के फिर हम अभी ऐड करेंगे मसाला। पूरा मसाला ऐड किया मैंने
उस पे मैं डालूंगी राइस। और यहाँ गार्निश के लिए मैंने कलर है इसमें थोड़ा मिल्क मैंने ऐड की हूँ, और इसको हम ऊपर से डालेंगे कलर। और बिरिस्ता, जो कांदा हमने बिरिस्ता बना के रखे थे, गार्निश के लिए बिरिस्ता भी ऐड की गार्निश के लिए। अब इसमें मैं पुदीना और कोथमीर हमको ऐड करना होता है, मेरे पास पुदीना नहीं है इसीलिए। और अभी हम इसको रखेंगे दम पे। मैंने ढक के रखी बिरयानी को, इसको मैं फास्ट फ्लेम पे 5 मिनट रखूँगी। फिर 5 मिनट के बाद 15 मिनट्स हमको इसको दम पे रखना है स्लो फ्लेम पे। मिनट्स हाई फ्लेम पे मैंने पकाई हूँ, अभी मैं इसको स्लो करूँगी। और 15 मिनट्स हमको इसको दम पे रखना है।